नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। चलिए रूबरू कराते हैं आपको सबसे पहले अब तक की तमाम खबरों से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस। आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। वडाली के नाले के पास स्थित विवादास्पद देशी दारू की दुकान बिना शर्त हटा दिए जाए, मतदान की प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। महिला शक्ति की मांग पर यह देशी दारू का दुकान तत्काल प्रभाव से बंद करने की जिम्मेदारी महकमा अदा करे, ये पक्ष वडाली के संतप्त महिला शक्ति का है। मतदान नहीं आदेश दो, ये नारा इन महिलाओं का था जिसे रास्ता रोक कर दोहराया गया। वडाली के देसी दारू के दुकान को लेकर अब दूसरी बार मतदान लिया जा रहा है। 28 तारीख को मतदान की तारीख तय है, लेकिन वडाली के महिला शक्ति की मांग है कि उन्हें मतदान नहीं चाहिए, बिन शर्त यहां देसी दारू का दुकान बंद कर दिया जाए। यह मांग रविवार को वडाली के संतप्त नारी शक्ति ने दोहराई। रास्ता रोको आंदोलन कर यह भूमिका संतप्त महिलाओं ने रखी। क्या आहे का सर, तुम्ही सांगा काय आहे ते आम्हाला। निवेदन नाही इथं त्यांना सेना बोलवा कलेक्टरला, तुम्ही सर दुकान देसी दारू के दुकान के मुखालिफत आ रही महिला शक्ति के मांग पर अब महकमा क्या भूमिका अदा करता है यह देखना है। 28 तारीख को यह मतदान होगा, उसमें क्या होता है यह देखना बड़ा रोमांचक होगा, क्योंकि विगत मतदान में इन्हीं महिलाओं की आक्रामकता महकमा देख चुका है ही। महिला या ठिकाणी आले होते देशी दारूच्या दुकानासमोर, बंद असलेले दुकान आहे ते, परंतु शासनाने 28 तारखेला इलेक्शन घेण्यासंदर्भामध्ये निर्णय घेतला होता, म्हणजे इलेक्शन होऊ नये असं इथल्या वडाळीवासियांची भूमिका आहे। तर त्यांचं ज्या पद्धतीचं निवेदन आहे की इलेक्शन होऊ नये, त्या पद्धतीचं निवेदन आम्ही आमच्या वतीनं आणि या लोकांनी जी मागणी केली त्यानुसार आम्ही शासनाला कळवत आहोत। रविवार को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पर्चा लिया गया। ये टीईटी का पर्चा अनेकों खामियों से भरा था, जिसकी शिकायतें परीक्षार्थी शिक्षकों ने की, उनकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। रविवार को टीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी शिक्षकों ने परीक्षा विभाग की शिकायतें की। टीईटी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी शिक्षकों को जो पर्चा दिया गया वह पर्चा हाथ से लिखा था। उर्दू भाषा का हाथ से लिखा गया यह पेपर भारी गलतियों भरा रहने से यह लिखावट छात्र पढ़ नहीं पाए। इन छात्रों ने यह भाषा और लिखावट समझ में नहीं आ रही यह शिकायतें भी की, लेकिन किसी ने कुछ न सुनी। शहर के उत्तम नगर परिसर के पार्षदगण इस प्रभाग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह आरोप इस वार्ड के इस क्षेत्र के नागरिकों का है। पार्षद कभी भी खुद इस वार्ड में चलकर नहीं आते, कईयों शिकायतें करने पर एकाद शिकायत सुनी जाती है, लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं होता। ये भूमिका इस क्षेत्र के नागरिकों की है। शहर के भीम टेकड़े क्षेत्र से सटा उत्तम नगर परिसर कईयों समस्याओं की जननी बना है। वार्ड में विभिन्न समस्याएं हैं जिन पर पार्षद ध्यान ही नहीं दे रहे, यह शिकायत उत्तम नगर निवासियों की है। वार्ड में चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली है, लेकिन स्वच्छता पर ध्यान देने की फुर्सत ना पार्षद को है ना महकमे को, फिर हम शिकायत लेकर कहां जाए, यह सवाल इन नागरिकों का है। प्लाट को मालकी है, को पता नहीं है, आम्हाला 10 वर्षापासून त्रास आहे, आम्ही पुष्कळ कंप्लेंट करतो, पण इथे काही कंटेनर ठेवलं होतं, त्यात लोक कुत्रे मांजर आले मिलेलेलं आणून टाकतात, त्यामुळे इतका त्रास आहे घरात, पूर्ण कचरा वास याच्यामुळे आम्हाला पुष्कळ त्रास आहे। मग महिन्यातनं किती तास सफाई होते इथं? ज्यावेळेस कंप्लेंट केली त्यावेळेस कोणी येते? कंप्लेंट आतापर्यंत किती वेळा केली? पुष्कळ वेळ कंप्लेंट केली, पुष्कळ कोणी काही करत नगरसेवक कोण आहे तुमचा? नगरसेवक कोण आहे तुमचा? मोड दीपमाला मोड।
अमरावती शहर के दशहरा मैदान पर रामकथा का आयोजन किया गया। 6 जनवरी तक ये रामकथा का आयोजन चलेगा, जिसमें संत चिन्मयानंद बापू रामकथा सुनाएंगे। इस वर्ष के नव वर्ष की शुरुआत रामकथा से होगी। शहर में पहली बार शहर के दशहरा मैदान पर संत चिन्मयानंद बापू के सुमधुर वाणी में रामकथा का आयोजन किया गया है। विश्व कल्याण ट्रस्ट व मधुसूदन ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित यह रामकथा का आयोजन 6 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा। 6 जनवरी की सुबह भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, तत्पश्चात रामायण की शुरुआत होगी। रामायण कथा पाठ का समय दोपहर 3 से 6 रहेगा। रविवार को आयोजकों ने यह तमाम जानकारियां एक पत्र वार्ता कर दी। नए वर्ष में 6 जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2015 तक संक्रांति के दिन तक विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट एवं अमरावती के नागरिकों की ओर से चिन्मयानंद राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी की रामकथा का आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान में दोपहर 3 से 6 बजे के मध्य रखी गई है। इस कथा का आस्था चैनल के द्वारा लाइव प्रसारण 176 देशों में किया जाएगा। मैं अमरावती की सभी जनता से, सभी नागरिकों से, सभी धर्म प्रेमी लोगों से निवेदन करूँगा कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहकर सत्संग का लाभ ले। अरे वो राउत साहब का मिशन ट्रस्ट महाराष्ट्र ब्रांच की अध्यक्ष और संगीत में श्री राम कथा का आयोजन नए साल की शुरुआत में 6 जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2015 तक दशहरा मैदान बटनेरा रोड अमरावती में दोपहर 3 से शाम 6:30 बजे आयोजित किया है। इसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से देश 176 देशों में दिखाया जाएगा। तो इन युवा संत के हमारे अंबानगरी अमरावती में जो वो आगमन हो रहा है और इनकी अमृतवाणी से जो हम भगवत कथा रस का पान करने जा रहे हैं, तो आप सभी को मैं अपनी ओर से, पूरे अमरावती वासियों की ओर से, जो आयोजकों की ओर से मैं विनती करती हूँ कि आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधार कर रसपान कीजिए कथा का और कथा की शोभा बढ़ाइए। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। रूबरू होते हैं अब तक की अन्य खबरों से। दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से अपील की जा रही है कि सरकार आशुतोष महाराज के शरीर पर अंतिम संस्कार का दबाव न डाले। आशुतोष समाधिस्थ हैं और वे सही समय पर समाधि से बाहर आएंगे। महाराज से कईयों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। ये बात भी दिव्य ज्योति जागृति संस्था ने जाहिर रूप से रखी। नहीं खेत में ऐसी में क्यों बंद करके रखा उनके लिए? नहीं तो नहीं, उसका रीजन बताइए। नहीं, उसका रीजन ऐसा है कि पहले हिमालय में जितने भी महान तपस्वी थे, नहीं नहीं कसा है, हाँ, फक्त श्रद्धा आणि आस्थेचा विषय आहे। समजा जर परत आले नाही, समजा जर परत आले नाही तर तुमची आस्था संपुष्टात येईल का त्यांच्या महाराजांविषयी? महाराजांचे अनुभव आजपर्यंत जसे आले, आता याच्यानंतर जसे अनुभव येतील त्याच्यानुसार सुद्धा संस्था। मानव अधिकार संघटन द्वारा रविवार को रक्तदान, रक्तगट जांच और नेत्र जांच शिविर लिया गया। सैकड़ों नागरिकों ने इस शिविर का लाभ लिया। विभिन्न मान्यवर अतिथियों की मौजूदगी में ये आयोजन सम्पन्न हुआ। मानव अधिकार संगठना के ओर से नागपुरी गेट के मनपा उर्दू स्कूल नंबर 1 में रक्तदान, रक्तगट जांच और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न गणमान्य अतिथिगण इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिन्होंने इस आयोजन की सराहना की। नेत्र जांच, रक्तगट जांच और रक्तदान शिविर का यह आयोजन सफल रहा। पीडीएमसी अस्पताल, इरविन अस्पताल और डॉक्टर संघई ने इस शिविर में आरोग्य सेवा दी। शहर के कल्याण नगर निवासी अर्चना सुनील चवरे नामक महिला का आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायत नहीं सुन रही है। 30 वर्षीय अर्चना की शिकायत है कि डफरिन का वार्ड बॉय अनिल चवरे, जो रिश्ते में उसका जेठ है, वो उससे शराब पीकर मारपीट करता है। माझा भासरा है अनिल सुदाम जी चवरे, तो मला रोजच त्रास देते, शिविकाळ करते। मागे त्याने मला मारलं पण होतं, पण पोलिसांनी काहीच नाही केलं। याचं काय कारण आहे? काय माहित काय कारण आहे, तो असं शिविकाळ देते। किती दिवसांपासून देतोय शिविकाळ? 5-6 वर्ष झाले, त्रास चालूच आहे।
मग तुमचे मिस्टर काही बोलत नाही का? माझे मिस्टर हे आहे, माझ्या मिस्टरांनी माग बोलले तर मारामारी झाली होती दोघा भावाची. म्हणजे काही अजून कारण समजलं नाही? बोलते काय तर नाही त्याचं, कोणाला पण बोलते. दारू वगैरे पिते का? दारू तर फुलच पिते. कुठे जॉब करतो का? डॉक्टरी मध्ये आहे. काय काय म्हणून जॉब करतो डॉक्टर? वार्ड बॉय आहे. कन कन करूनी केले पण कन न खर्चिला स्वतःसाठी, वन वन फिरूनही कन कन झिजले. बाबा दुखी जनतेसाठी वैराग्य मूर्ती संत गाडगे बाबा का 58वां पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है. 21 दिसंबर तक ये पुण्यतिथि महोत्सव चलेगा. वैराग्य मूर्ति संत गाडगे बाबा का 58वां पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जा रहा है. रविवार को संत गाडगे बाबा के समाधि का पूजन कर पुण्यतिथि महोत्सव की शुरुआत हुई. गाडगे बाबा की महाआरती कर इस पुण्यतिथि महोत्सव की शुरुआत की गई. 21 दिसंबर तक यह पुण्यतिथि महोत्सव चलेगा. विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन इस महोत्सव में श्रृंखलाबद्ध रूप से संपन्न होंगे. अंबानगरी के शक्तिपीठ काली माता देवस्थान में रविवार को प्रसाद समारोह का आयोजन हुआ. शक्तिपीठधीश्वर शक्ति महाराज की प्रेरणा से शक्तिपीठ में मकर संक्रांति तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और महाचंडी यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है. 15 महीने पहले सरस्वती चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ था. उस आयोजन में मुझे महायज्ञ की प्रेरणा माता जी की मिली थी. तो उसी आयोजन से लेकर आज तक के अभी तक के माता जी की मेहरबानी से 21 कुंडी लक्ष्य चंडी की तैयारी हो चुकी है. उस 21 कुंडी लक्ष्य चंडी महायज्ञ का भूमि पूजन हमने अभी शुक्रवार के दिन सवेरे 10 बजे का आयोजन, भूमि पूजन का आयोजन करने की प्रेरणा मिली है. और शुक्रवार के दिन सभी नागपुर वाले, अमरावती वाले, आकुल वाले, मुर्जियापुर वाले सभी भक्त बनों के आज से भूमि पूजन का आयोजन कर रहे हैं शुक्रवार को सवेरे 10 से 10:30 बजे के बीच में. और इस आयोजन होने के बाद में 6 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक के 21 कुंडी लक्ष्य चंडी महायज्ञ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. और अभी तक के यहाँ पे 35-40 वर्ष में जितने भी प्रोग्राम हो चुके हैं उस प्रोग्राम के भी कुछ उद्यापन करना चाहिए, करने की इच्छा हुई मुझे. तो उस प्रोग्राम भी इसके अंदर ही हमने आयोजित कर रहे हैं. यह माता जी की कृपा मेहरबानी से हो रहा है प्रोग्राम. जय माता. 17 दिसंबर को सरकार के नागपुर सत्र में मोर्चा लेकर धमकेगी लहूजी शक्ति सेना. मातंग समाज के विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से जवाब मांगने इस मोर्चे का आयोजन किया गया. होने की बात लहूली शक्ति सेना ने बताई. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत ही सुद्धा मातंग समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मंजूर झालेल्या नाहीत. आम्ही अनेक मोर्चे आंदोलने केली पण त्या मोर्चे आंदोलन शासनाला न जुमानता त्याला केळाची टोपी दाखवण्यात आली. देशाला संविधानामध्ये दलितांना जे आरक्षण आहे त्या आरक्षणाचा लाभ पददलित मातंग समाजाला अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. आमची अशी मागणी आहे की या शासनाने 13% आरक्षणमधून मातंग समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अबकडनुसार मागणी मंजूर करावी, आरक्षण द्यावं. मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने क्रांतिवीर रोजवस्ता साडे मातंग समाज अभ्यास आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा मोर्चा आहे. त्यांनी अभ्यास केला परंतु त्याची अंमलबजावणी त्या कर्मांची झालेली नाही. आणि साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा अमरावती महानगरपालिकेने उभा केलेला, म्हणजेच अमरावती नागरिकांनी अमरावतीचे उभा केलेला असताना सुद्धा त्याला योग्य दिशेने न्याय मिळत नाही. तो गव्हर्नमेंट गर्ल हायस्कूलमध्ये तो पुतळा बसवण्यात यावा अशा प्रकारची आमची मागणी आहे. या मागणी संदर्भामध्ये उभ्या महाराष्ट्रातून हा मोर्चा आता 17 डिसेंबरला नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या मंत्रालयावर धडकणार आहे. कारण का सर्व मातंग समाज बंधू भगिनींनी आणि अण्णाभाऊ साठे प्रेमींनी लोकभक्तांनी उपस्थित राहावे अशी आमची कळकळीची विनंती आहे. हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग चित्रकारों ने आज किस स्थिति को निशाना बनाकर व्यंग बनाया है, आइए जानते हैं आज का कार्टून कोना. Thank you.
अब बारी है उन्हें बधाइयां देने की, जिनका आज जन्मदिन है, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो दर्शकों अब देते हैं बुलेटिन को विराम, अंत में एक बार फिर आज की हेडलाइंस। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लैन, सकर साथ, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570326। हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज चैनल, और आप हमसे हमेशा 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप हमसे सीधे सीधे रूबरू हो सकते हैं। तो लेते हैं आपसे यहीं पर इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।